अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खवातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आई एम फाइनली बैक और चंगान एल्सविन के बारे में बात करेंगे। चंगान एल्सविन विल बी ऑफर्ड विद 3 वेरिएंट्स और ये गाड़ी जो है अगले साल जनवरी में लॉन्च होने जा रही है 2020 में। अगर आप लोग डिटेल में स्पेक्स और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ। आज ही वीडियो अपलोड हुई है, आज की डेट में आप जाके देख सकते हैं। आप जाएँ, वीडियो चेकआउट करें, डिटेल में स्पेक्स, फीचर्स, बुकिंग डिटेल्स और प्राइस जो है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज ए प्रॉमिस, जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूँ, थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट्स बता दूँ, अगेन रिकॉल कर देता हूँ। चंगान एल्सविन जो है वो 3 वेरियंट्स में आएगी, जिसमें एक 1.3 लीटर होगा विच इज़ इक्वल टू 1.4 बेसिकली, और दो 1.5 के साथ आएंगे। तो 1370 सीसी जो है 1.37 लीटर जो है वो उसका नाम इन्होंने रखा है मैनुअल कंफर्ट, 1.3 लीटर मैनुअल कंफर्ट। और 1.5 लीटर में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जिनमें से एक होगा 1.5 लीटर डीसीटी कंफर्ट एंड 1.5 लीटर लुमेरे, डीसीटी लुमेरे आप उसको कह सकते हैं। अब डीसीटी स्टैंड्स फॉर ड्यूल क्रच ट्रांसमिशन, आपको ड्यूल क्रच ट्रांसमिशन मिलेगी। ब्लू कोर आपको इंजन मिलेगा दोनों में, 1.37 लीटर भी और 1.5 लीटर भी। ये बेसिकली इनलाइन फोर सिलेंडर MPFI DOHC इंजन होगा। अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें लोकल गाड़ी से कंपेयर करें तो फीचर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर हैं। ऑल्दो वी नो इट्स अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, बट उसके हिसाब से भी देखा जाए, सेफ्टी के हवाले से देखा जाए, थोड़ा बहुत रिकैप मैं आपको देता हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉल करता हूँ। ये है कि दो एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और मैं यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चंगान ऑफिशियल्स देख रहे हैं इस चीज़ को। इंटरनेशनल वेरियंट्स में आपके अराउंड 4 एयरबैग्स आते हैं एल्सविन में, तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जितने भी आप मॉडल जो हैं वो लेकर आए पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तो फर्दर सी भी यूनिट्स हैं। जब आएंगे लोकल मैन्युफैक्चर्ड अगर आप करते हैं गाड़ियाँ आगे, तो उसमें ये है कि आप लोग कम से कम 4-5 एयरबैग्स हो दें गाड़ी के अंदर, जो सेफ्टी के हवाले से एक बहुत बड़ा फीचर है। सेफ्टी इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी, जब भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पहले सेफ्टी को जो है वो देखें, सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तीनों वेरियंट्स के अंदर अलॉय रिम जो है वो स्टैंडर्ड आएंगे, 15 इंच के टायर के साथ आएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको हीटेड साइड मिरर्स मिल जाएंगे, एंड टॉप ऑफ द लाइन में आपको सनरूफ मिल जाएगा, टॉप ऑफ द लाइन में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, एंड टॉप ऑफ द लाइन में एक और अच्छा फीचर ये होगा कि आपको इको आइडल का फंक्शन भी मिल जाएगा, जिससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अगर आप मेरे से पूछें अगर आपको 1.5 में जाना चाहिए DCT कंफर्ट में या DCT लुमेरे में, तो मैं DCT लुमेरे रिकमेंड करूँगा फॉर फ्यू ऑब्वियस रीजंस कि उसके अंदर थोड़े से फीचर जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के ऊपर मीडिया कंट्रोल्स की। तो स्टीयरिंग के ऊपर जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो तीनों गाड़ियों के लिए आपको दिए हुए हैं। पार्किंग सेंसर जो हैं वो स्टैंडर्ड है सबके लिए, सबके अंदर पार्किंग सेंसर आएंगे, रिवर्स कैमरा के साथ आएगी, और AC, USB, चार्जिंग डॉक ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। पावर विंडोज़ और पावर लॉक्स वगैरह ये सब बेसिक इसके अंदर आएंगे। बॉडी कलर साइड और मिरर्स होंगे, और अब ये मैं देखूंगा कि टॉप ऑफ द लाइन में उन्होंने क्रोम डोर ओपनर्स दिए या नहीं दिए, तो ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी फ्रंट पे आपको क्रोम मिलेगा डेफिनेटली। टायर भी हम देखेंगे कि टायर वो कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर। तो कलर्स मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकॉल कर देता हूँ जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये गाड़ी परचेज करने में। इसके अंदर आपको स्टेलर वाइट, गैलेक्सी ब्लैक, स्पेस ग्रे, लूनर सिल्वर, कॉस्मिक रेड और निबुला ब्लू आपको इसके अंदर कलर मिलेगा। ओके, बुकिंग डिटेल्स एक दफ़ा फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ। याद रहे कि अगर आप ये पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो आज की डेट में ही पोस्ट किया गया है। अब मेरा चैनल खोलेंगे तो टॉप पर आपको चंगान एल्सविन के मुताबिक स्पेक्स और फीचर्स की मालूमात मिल जाएगी। उसके अलावा भी हमने काफ़ी डिस्कशन की, जिसके अंदर हमने कंपेरेटर्स के बारे में बात की है कि एल्सविन की कंपेरेटर्स कौन कौन सी हैं, वो आपको वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमने बात की कि कौन कौन सी गाड़ियाँ नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिल सकती हैं, ये एक एडिशनल इन्फो थी, वो भी मैंने उस वीडियो में शेयर किया आप लोगों के साथ। तो डेफिनेटली जाए उसको चेक करें, और लिंक मैं बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ इस वीडियो के, ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएँ, उसको देख पाएँ। ठीक है, द मोस्ट हाइप कार एट द मोमेंट दिसंबर 2020 की बात करूँ पाकिस्तान में, अगर हाइप देखी जाए किसी गाड़ी की इस वक्त, वो चंगान एल्सविन की है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपेटिटर होगी। कौन कौन सी गाड़ी होंगी, अगेन वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी, जिन गाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वीडियो में वो इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स होंगे। प्राइस क्या होगी, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, सब कुछ है। यारिस का बजट हम देखें अराउंड 30 को है, सिटी देखें अराउंड 30 को है। जिस मकसद से आपने वीडियो खोली है प्राइस जानने के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी प्राइस 26 to 26.5 lakh रुपीज़। या दैट्स ट्रू, बेस्ड ऑन ऑल द फीचर्स और इकोनॉमी सब कुछ देखा जाए, CBU यूनिट को देखा जाए, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चंगान एल्सविन की प्राइस वो अराउंड 26 to 26.5 lakh रुपीज़ होगी। बाकी आप बताइएगा आप क्या समझते हैं कि कितनी होगी। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो 26 साढ़े 26 लाख रुपये गाड़ी की प्राइस होगी।
बुकिंग प्री बुकिंग चल रही है जो कि आप changan.com.pk पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता चलूँ कि जो पहले 1000 क्वालिफाइड प्री बुकिंग्स होंगी, जो पहली 1000 क्वालिफाइड प्री बुकिंग्स होंगी उनको एक साल के लिए फ्री मेंटेनेंस मिलेगी चंगान एल्समिन के लिए। अब वेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाएं, और ये जो लकी ड्रॉ के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा आई थिंक ये सब कुछ, जो इनको क्वालिफाइड प्री बुकिंग्स होंगी उनको फिर एक साल के लिए आपको मेंटेनेंस फ्री मिलेगी। सो फाइनली मैं आखिर में एक अपना ओपिनियन भी देना चाहूँगा एल्समिन के बारे में। डेफिनेटली जिस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इस तरह हमारी जो लोकल मैनुफैक्चर हैं जो काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं उनको भी मौका मिल रहा है, और हम आवाम की आवाज़ भी उन तक जा रही है। मैं दोबारा रिकॉल करूँगा, मैं बिल्कुल क्लियर कॉल कर दे रहा हूँ टोयोटा को, होंडा को, सुजुकी को और जितनी भी अदर कार मैनुफैक्चरर्स हैं कि डेफिनेटली अब आपको मार्केट में कोई अच्छी चीज़ लानी चाहिए जो कि आवाम के बजट के हिसाब से भी अच्छी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, और उनको उस हिसाब से क्वालिटी भी मिले, उस हिसाब से फीचर्स भी उसके अंदर मिलें। तो ये एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितनी भी लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल मैनुफैक्चरर्स हैं, आप लोगों से, जो लोग देख रहे हैं मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है आई नो, और मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव एज वेल, मैं रिव्यूअर हूँ, मैं अपनी सजेस्ट और अपने ओपिनियन जो है वो लोगों के सामने रखता हूँ, और लोगों की आवाज़ जो है वो थ्रू दिस यूट्यूब चैनल आलिफ मलिक आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मेरी और मेरी आवाम की यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है फैसिलिटेट करें एक कंज्यूमर को जो इतने पैसे खर्च कर रहा है, 15-20 lakh का बजट उसने लगा रहा है। अगर वो हैचबैक भी ले रहा है तो हैचबैक में कम से कम ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि एक आम यूज़र को फैसिलिटेट कर सकें। अब लास्ट में ही काफ़ी ऑफ टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी ज़रूरी है बात करनी। वे रिसेंटली सीन के एक ऑल्टो का एक्सीडेंट हुआ इस्लामाबाद में। अब ये नहीं कह सकते कि ड्राइवर की गलती, जिसकी भी गलती है, एट द एंड व्हाट हैपेंड वाज के उसके एयर बैग खुले नहीं है। अब एयर बैग ना खुलने की वजह से आपको पता है कितना डैमेज हो सकता। फॉर्चुनेटली सर्वाइव्ड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो बंदा था उस गाड़ी के अंदर उसने सर्वाइव कर लिया। गाड़ी की बहुत बुरी हालत थी, आप भी कह सकते हैं कि गाड़ी यहाँ तक आ चुकी थी, हाफ कट हो चुकी थी, पीछे से उसको किसी ट्रॉली ने हिट किया था, और बड़ा मेरिकल मैं इसको कह सकता हूँ कि बंदा सर्वाइव कर गया गाड़ी लगने के बाद भी। तो एयर बैग ऐसी सिचुएशन में ना खुलना जहाँ पर बंदा AGS और ये इस तरह की टॉप ऑफ द लाइन, मैं स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कह रहा हूँ किसी को, मैं सब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कह रहा हूँ कि अपनी क्वालिटी पर और इन चीज़ों पर गौर करें। मैं किसी एक गाड़ी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की कंप्लेन आ रही है यार। इसके रिव्यू में आपने देखा था कि मैंने क्या चीज़ सामने रखी थी आपकी, कि एक बंदा अगर 30 lakh रुपया लगा रहे एक गाड़ी के ऊपर तो कम से कम आपको एक लकड़ी का फट्टा तो देना चाहिए था डिग्गी में। आप लोगों ने वहाँ पर कॉस्ट सेविंग की, आप लोगों ने वहाँ पर भी एक छोटा सा कार्डबोर्ड टाइप पीस दे दिया। सो काफ़ी ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, अगेन मैं चंगान एल्समिन पे रहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपने जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप लोग दिख रहे हैं कंपटीशन बहुत सख्त होगा, कंपनीज आ रही हैं, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। हम भी दुआगो हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती हों और बजट फ्रेंडली हों, और गाड़ियों की बरक्स हमें जो पैसे हम दे रहे हैं उसके बरक्स हमें वो क्वालिटी दी जाए जो हम, जो कि कंज्यूमर डिमांड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि चंगान एल्समिन की क्या प्राइस होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सपोर्ट करेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इनफॉर्मेटिव कंटेंट। आई विल सी यू गाइस सून। अल्लाह हाफिज़।